कर दें। या सो हम लोग वर्ल्ड विल बी लर्निंग वर्ल्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज. सो अभी मतलब दिस इज वर्ल्ड बिल्डिंग. अगर हम वर्ल्ड बिल्डिंग करें तो अब देखते हैं कि वर्ल्ड बिल्डिंग तो सबसे पहले अभी हम लोग सीखेंगे जैसे मतलब और बहुत से वर्ड ये करने का. जैसे मैं लिए पहले एडजेक्टिव. जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो समझते होंगे. एडजेक्टिव से मतलब हमको वर्ब चेंज करना, इससे भी वर्ड बनेंगे. दूसरे हो सकते हैं कि हमने नाउन से वर्ब चेंज किया, नाउन से भी वर्ब चेंज कर सकते हैं. तीसरा हम कर सकते हैं मतलब वर्ब से नाउन. फोर्थ हम कर सकते हैं कि हमने नाउन से एडजेक्टिव कर लिया. या हम लोग ये कर सकते हैं वर्ब से एडजेक्टिव कर लिया. या सिक्स्थ वन हम लोग ये किए कि जैसे एडजेक्टिव है उससे एडवर्ब बना दिया. तो एडवर्ब तो अभी एक एक करके हम सबको देखेंगे. हम एक एक करके चीज़ों को देखेंगे कि हम कैसे उससे आगे बनाते हैं. लेट्स सी. और अभी अब जैसे पहला, सबसे पहला हम सीखते हैं कि फर्स्ट हम कंडीशन ये सीखते हैं कि हम लोग एडजेक्टिव से, अगर जैसे मान लिया एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव से हम लोग नाउन कैसे बनाते हैं. से वर्ब हम पहले बनाना सीखे. तो एडजेक्टिव जैसे मान लिया एडजेक्टिव अगर किसी, अब जैसे कोई भी कलर होता है एडजेक्टिव होता है. जैसे मान लिया ब्लैक. ब्लैक माने क्या होता है. अगर तो ब्लैक्स ब्लैक को बनाना होगा वर्ब, तो क्या हो जाएगा. ब्लैकेन. क्या करेंगे. ब्लैकेन यानी ब्लैक माने तो काला होता है. लेकिन हाँ. और ये, और अगर ये काला हो गया, अब ये इसको क्या बोलोगे. काला होना या काला करना. मार के किसी को काला नहीं कर देते हैं. काला होना या काला करना. यस ठीक है. तो एक अब जैसे मान लिया अगर ब्राइट दे देंगे तो ब्राइट मीन्स, तो सबका हिंदी नहीं लिखूंगा, जिसका जरूरत है उसे. चमकीला हाँ. तो ये हो जाएगा ब्राइटेन हो जाएगा. अगर अगर जैसे लिखोगे ब्रॉड. ब्रॉड ब्रॉड माने क्या होता है. ब्रॉड मीन्स चौरा. तो चौरा हो गया तो ये क्या हो गया. ब्रॉडेन. ब्रॉड अगर डीप होगा तो डीप माने क्या होता है. गहरा गहरा गहरा. तो ये क्या हो जाएगा. डीपेन. डीपन तो सब जगह मीनिंग नहीं लिख रहा हूं, जहां नहीं मालूम होगा वहां लिख देंगे. अगर फैट होगा तो, जैसे फैट मीन्स मोटा, और ये अगर कोई फैट हो जाता है तो बोलते हैं फैटेड. या फ्लैट होता है. टायर नहीं हो जाता फ्लैट. पंचर हो जाता तो फ्लैट नहीं हो जाता है. सब तो बोलता है मेरा टायर फ्लैट हो गया. इसका मतलब वो पंचर हो गया. फ्रेश. फ्रेश मीन्स ताजा. तो ये क्या हो जाएगा. सब फ्रेशन. ठीक जैसे है. सब हाँ. अब उसी तरह से अगर अब आगे देखते हैं, अगर हार्ड हो जाएगा तो हार्ड माने कड़ा होना. बड़ा हार्डन हार्डन. कड़ा होना. लेस हो जाएगा तो, अगर मान ली कोई कम है तो क्या हो जाएगा. लेस माने कम. और लेसन माने और कम कर देना. और काम कर दें हाँ. लूज. लूज माने क्या होता है. ये ध्यान से देखना. लूज माने क्या होगा. लूज माने होगा ढीला. यस
तो ये हो जाएगा लूज इन, किसी को ढीला कर देना या ढीला जैसे ढीला बना देना। रिड माने क्या होता है? रिड तो जानते ही हो। अब देखो रिड इन, तो रिड इन का स्पेलिंग ध्यान देखना, डबल डी। एंड अगर राइप हो गया तो राइप माने पका, पकना या पका पका हुआ। तो ये पका, अब इसको पका बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? राइपेन। एंड सैड है तो, अगर कोई दुखी है तो क्या हो जाएगा? सैडेन। सर हाँ सैडेन, डबल डी। शॉर्ट है तो सॉर्टेन सॉर्टेड। अगर स्ट्रेट है तो स्टेटेड स्ट्रेट इन, स्वीट होगा तो स्टेटेड स्वीट इन, टाइट होगा तो टाइट इन। टाइटेंस। हाँ तो देख रहे हो कितना आसान वर्ड्स बनते। अगर जैसे मान लिया वीक है तो, वीकेंड। अगर वीक माने क्या होता है? कमजोर होता है ना, तो वीकेंड। यस अगर वीक है तो वीकेंड, कमजोर और कमजोर किसी को कर देना। एबल है तो, अब जैसे मान लिया कोई एबल है तो इसको बोलते हैं इनेबल। सर। अगर फीबल है, फीबल, हाँ देखो जिसका मतलब नहीं होगा, फीबल मीन्स होता है दुर्बल। क्या दुर्बल? रूअल। दुर्बल समझते हो? और इनफेबल, इनफेबल इसका मतलब क्या हुआ? दुर्बल होना। नहीं हो जाता है, जैसे मान लिया कोई बीमार होगा तो दुर्बल नहीं हो जाएगा। अगर लार्ज अगर लार्ज है तो लार्ज होगा तो क्या होगा? इन लार्ज। लार्ज से क्या हो जाएगा? नहीं बोलता है इन लार्ज करके दिखाओ, हम लोग नहीं बोलते मोबाइल में, इन लार्ज करके दिखाओ, बड़े करके दिखाओ। रिच है तो, अब रिच तो रिच से क्या हो जाएगा? इन रिच। ठीक है, सिंपल है तो, सिंपल है तो क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई। सिंपलीफाई अगर सिंपल है तो सिंप्लीफाई। अगर इंटेंस है तो, इंटेंस माने क्या होगा? अगर इंटेंस का मतलब क्या होगा? तीव्र। इंटेंसिफाई यानी उसको क्या करना? और तेज बना देना, तीव्र बना देना। प्योर है तो, अगर प्योर होगा तो क्या करेंगे? प्यूरिफाई। क्या करेंगे? प्यूरिफाई कर देना। सेंट्रल हो तो, सेंट्रल सब समझते हैं, यानी सेंट्रल माने केंद्रीय, देखिए केंद्रीय, केंद्रीय नहीं बोलते, सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज है, तो ये क्या हो जाएगा? सेंट्रलाइज, इसको केंद्रीय कर देना। मॉडर्न है तो, अच्छा बताइए, खुद बताओ क्या हो सकता है? मॉडर्न होगा तो, मॉडर्न होगा तो मॉडर्नाइज, मॉडर्न होगा तो मॉडर्नाइज क्या हो जाएगा? मॉडर्नाइज होगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लिया हम लोग इसी से अगर पॉपुलर है तो, अगर पॉपुलर है तो क्या करेंगे? पॉपुलर माने समझते हो ना, तो पॉपुलर। सर अगर अगर पॉपुलर की अगर ये हो तो सेकुलर हो तो, सेकुलर समझते हो?
सेकुलर माने धर्म निरपेक्ष, नहीं बोलते हैं। मनीष बाहर हो गया था, धर्म निरपेक्ष तो क्या हो जाएगा, सेकुलराइज। यहाँ जेडी और एसी का लफड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया जैसे हम यूके में एसी लिखते हैं, और ये यूके का, ये यूएसए है, और ये क्या है, यूके है। हम लोग यूके को फॉलो करते हैं, तो एसी लिखते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, स्पेलिंग सेम होगा। वेस्टर्न है तो वेस्टर्नाइज हो गया, या जेडी हो एसी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाइट हो तो, अगर व्हाइट चमक, व्हाइट माने सफेद, तो व्हाइटेन कर देना होगा। सफेद व्हाइट पे हाँ, अगर फाइनल है तो, फाइनल माने फाइनल हो गया, तो फाइनलाइज। फाइनलाइज। गुड, देखो अभी अभी आराम से, आराम, एक पैटर्न पता हो गया तो ये हो गया। ग्लैड है तो, ग्लैड माने, ग्लैड माने क्या होता है, ग्लैडेन नहीं, ग्लैड ग्लैडेन, ग्लैडेन। और वाइड है तो, वाइडर वाइडन वाइडेन, सर हाँ वाइडेन। इंटेंस है तो, इंटेंस वाओ हाँ इंटेंस है तो इंटेंसिफाई, इंटेंस, इंटेंसिफाई। यानी इस तरह से हमने वर्ड देखा, जिसको एडजेक्टिव से हमने क्या बनाया, वर्ब बनाया। तो पहला एक वैरायटी देखा वर्ड बिल्डिंग में, कि हमने क्या बनाया, एडजेक्टिव से वर्ब बनाया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब यस लगा कि नहीं, मेरे पास वर्ड बन गया। अब जैसे मान लिया, सर हाँ, यस सर वर्ड वाइटन करना, वेस्टर्नाइज करना, किसी को वेस्टर्नाइज बना दिया, वेस्टर्न कल्चर की तरह बना देना। तो ये स्पोकन में इसका बहुत यूज है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम ये सोचते हैं कि सेकेंड कंडीशन सीखते हैं नाउन से। अगर नाउन से हमको वर्ब बनाना हो, तो नाउन से हम लोग वर्ब बनाना सीखें। ठीक है, तो नाउन से वर्ब बनाना सीखते हैं। तो जैसे मान लिया नाउन, लेंथ, लेंथ सुने होंगे। अगर लेंथ होगा तो लेंथ से क्या हो जाएगा, लेंथेन। लेंथ लेंथ माने लंबाई होता ना, तो लंबा करना, किसी को लंबा कर देना, लेंथेन। अब जैसे स्ट्रेंथ हो, अगर किसी में स्ट्रेंथ है तो जो रिपीट हो जाएगा इसको मैं हटा दूंगा, ये वैसे स्ट्रेंथेन हो गया। तो सर हाँ, तो इसको इसको हटा के रखते हैं, स्ट्रेंथ। हाँ थ्रेट, हाँ थ्रेट, थ्रेट तो जानते होंगे। थ्रेट माने क्या होता है, किसी को डराना, थ्रेटन थ्रेट। सर हाँ थ्रेटेड। अब उसी तरह से ब्यूटी होगा। अब बताओ, ब्यूटी, ब्यूटी माने सुंदर, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन ब्यूटीफाई, नहीं ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई, किसी को सुंदर, सुंदर बनाना। देखो हम नाउन से वर्ब बना रहे हैं, ये ध्यान रखना। सर हाँ डेंजर, डेंजर माने खतरा। तो आप बताओ इसका, डेंजरस इन डेंजर, इन इन डेंजर डेंजर। सर अब मान लिया स्लेब, स्लेब माने क्या होता है, स्लेब मीन्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्लेब, गुलाम बनाना। गुरुजी हाँ तो ये हो जाएगा इन स्लेब, इन स्लेब माने उसे, किसी को गुलाम बना देना। थ्रोन माने क्या होता है, थ्रोन, टी, ये इसका मतलब क्या होता है, थ्रोन, THRONE, थ्रोन मीन सिंहासन। मैं लिख देता हूँ हिंदी में, तो सिंहासन सिंहासन तो बताना नहीं पड़ेगा। तो किसी को अगर सर थ्रोन पे बैठाना तो उसको बोलते हैं इन थ्रोन। अगर किसी को इंट्रो मतलब अपने, अगर प्रिंस को हम सिंहासन बैठाते तो इन थ्रोन। ठीक है, अगर अगर जैसे मान लिया, अगर हम ये कहें कि टोम्ब, टोम्ब माने होता है मकबरा। क्या होता है, मकबरा। अगर मकबरा है तो अब इसके लिए क्या करेंगे, टोम से हो जाएगा इन टोम,
यानी मकबरा बनाना, अगर हॉस्पिटल है तो, यस हॉस्पिटल तो सर। किस, हॉस्पिटल तो हस किस, हाँ तो यस हॉस्पिटल होगा यस तो हॉस्पिटलाइज नहीं बोलते हो, हॉस्पिटलाइज हुए हैं यस नहीं बोलते हैं, यस कोई हॉस्पिटल में भर्ती है। जियोपार्डी, यस ये देखो ये नया चीज तुमको मिला, जियोपार्डी। अब इससे जियोपार्डी माने होता है मतलब किसी पे संकट आना। तो अगर संकट, हम अगर संकट लाते हैं तो इसको क्या बोल देंगे, तो संकट लाएंगे तो संकट अगर जैसे रहेगा तो उसको बोलेंगे जियोपार्डाइज, क्या हो जाएगा, जियोपार्डाई। जी आई सर हाँ जियो पार्डाइज, ठीक है। अगर किसी को प्रेशर करेंगे तो, जैसे प्रेशर माने दबाव, प्रेशराइज्ड हाँ तो क्या हो जाएगा, प्रेशराइज यस यानी किसी पे दबाव बनाना, ठीक है। यस स्क्रूटनी अब स्क्रूटनी, स्क्रूटनी समझते हो, स्क्रूटनी ना स्क्रूटनी, तो स्क्रूटनी माने होता है छानबीन करना, खूब छानबीन करना या जांच करना, यस छानबीन करे या जांच करे, खूब जांच करे, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्रूटनाइज, स्क्रूटनाइज। हम क्या करेंगे, खूब जांच पड़ताल अगर किसी की करेंगे, ठीक है। यूरिन, यूरिन माने होता है पेशाब, तो अब ये क्या करेंगे, यूरिनेट, इसको वर्ब बनाना है तो क्या हो जाएगा, वर्ब यूरिनेट यानी पेशाब करना। टेरर, यस टेरर माने क्या होता है, सर डर, तो इसको क्या हो जाएगा, टेरराइज, किसी को डराना खूब। यस सर विक्टिम, विक्टिम माने क्या होता है बताओ, ये तो इजी इजी जो वर्ड। क्राइम सीन पे दोषी सर हाँ विक्टिम माने होता है बलि, बलि बलि का बकरा बनना, नहीं बोलते हैं बलि पर चढ़ने वाला है, बलि का यस बकरा, तो ये तो विक्टिमाइज हो गया, किसी को बलि का बकरा बनाना, जबरदस्ती में नहीं होता है कि वो कोई पढ़ने बैठा था उसको जबरदस्ती क्राइम सीन पे ले जाके उसको फंसाए। काफ, काफ यस काफ माने क्या होता है, काफ माने होता है बछड़ा, होता है ना बछड़ा, जानते हो ना, हाँ सर तो बछड़ा, तो बछड़ा का क्या हो जाएगा, और काल्व, अगर काल्व, यस काल्व माने बछड़े को जन्म देना, बछड़े माने उसको, सर तो यानी कह सकते हो बछड़े को जन्म देना, बछड़े को जन्म देना, देन चलो। और अब अगर उसी तरह से वाइट है तो वाइट एंड फाइनल है तो फाइनलाइज, ग्लैड ये कर चुके हैं, वाइट कर दे इंट, तो ये हो चुके। अब अगर काफ, ब्रेथ, अगर ब्रेथ ले, ब्रेथ माने होता है सांस, स्मॉल हाँ सांस, अगर सांस लेना इसको बोलेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ब्रीद, ये यस स्पेलिंग देखो चेंज हो गया, ब्रीद, ब्रीद माने सांस लेना। उसी तरह से स्लाइवा, स्लाइवा माने क्या होता है, थूक, जैसे होता है ना यस जैसे लार बोलते हैं, जैसे लार, लार किरना, लार या थूक, तो ये क्या हो जाएगा, सेलिवेट, अगर कोई सेलिवेट यस कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सेलिवेट अगर कोई करेगा तो उसका लार गिरना, मतलब दो चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं, यस मतलब हम लोग नाउन से वर्ब बनाना सीख चुके हैं। अब सीखते हैं, अब जैसे अब ये सीखते हैं कि अब हम ना, एक एक जैसे मान लिया वर्ब है, एक वर्ब से हम लोग नाउन बनाना सीखते हैं, ये चैलेंजिंग होगा वर्ब से नाउन बनाना। अब जैसे खूब जानते हैं अराइव, अराइव, अराइव माने क्या होता है, आगमन,
आगमन होना। आगमन। हाँ जैसे नहीं बोलते हैं आगमन होना, यस सर। आगमन। तो अब इसी का अराइवल, ये तो आगमन होना है, इसको हम लोग बोलते हैं आगमन होना। और इसी से हम लोग एक और बनाते हैं वर्ब जिसका बोलते हैं अराइवल। अभी 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 भी क्या हुआ, आगमन हुआ, यानी आगमन हुआ। ये देखो एक वर्ब से ना ये बन गया। उसी तरह से अगर रिमूव हो गया, रिमूव माने किसी को अलग करना, तो इसी से क्या बन जाएगा, यस रिमूवल। अगर ब्रेक है तो, जैसे सर। मैंने ब्रेक माने होता है तोड़ना, और तोड़ना से क्या बन गया, ब्रेकेज। ब्रेक उसी तरह से मैरी, मैरी माने क्या होता है, शादी करना, और मैरिज यस मीन्स मैरिड। मैरिज, मैरिज मैरिड नहीं, मैरिज नाउन बनाना है। तो वेस्ट हुआ, जैसे ये वाला वेस्ट जानते होंगे, वेस्ट माने होता है बर्बाद करना, तो ये क्या हो जाएगा, बर्बाद वेस्टेज। वेस्टेज वेस्टेज। ये बोलते हैं बहुत ज्यादा वेस्टेज है, टाइम का वेस्टेज है। यस अब जैसे मान लिया कोई मिस कैरी, मिस कैरी माने क्या होता है, मिस कैरी माने होता है गर्भपात। अगर किसी का मिस कैरेज हो गया, यानी गर्भपात हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये मिस कैरेज, गर्भपात जब हो जाए। उसके बाद है एक्सेप्ट, अगर एक्सेप्ट कोई एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट करोगे तो ये हो जाएगा एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेड सर। एक्सेप्टेंस। और अगर किसी को डिसेक्ट करोगे, डिसेक्ट माने क्या होता है, यस चीरना, चीर फाड़ करना, सर। चीर फाड़ जब करते हैं डिसेक्ट ना, डिसेक्शन करते हैं। जैसे बायोलॉजी में अगर बायोलॉजी बायोलॉजी लेते, तो ये तुम्हारे लिए आसान है, चीर फाड़ करना किसी चीज को। डिसेक्टेड तो ये हो जाएगा डिसेक्शन, ये डिसेक्शन हो जाएगा, डिसेक्शन हो जाएगा। रिपेंट, रिपेंट माने क्या होता है, रिपेंट माने होता है पछताना, पछताना। सुने हो पछताना, सर बहुत बार पछताए हैं तो सुनेंगे क्या है? तो ये क्या हो जाता है, रिपेंटेंस। क्या होता है, रिपेंटेंस। तो देखो अभी अभी मान लिया इसमें हम लोग देख रहे हैं कि नाउन से, अब वर्ब से नाउन कैसे बन रहा है, ठीक है। और उसी तरह से अब जैसे मान लिया ये हो गया इन्फर, इन्फर समझते हो, इन्फर माने किसी चीज का जैसे अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। अगर अनुमान लगाना, तो इसी इसी से क्या बनेगा, इन्फरेंस। नहीं बोलते हैं हम लोग, लिखते हैं कि इन्फरेंस क्या हुआ, यानी अनुमानित, अनुमान लगाते। जैसे रिमेम्बर, रिमेम्बर तो समझते होगा, ये तो जरूर जानते होगे। रिमेम्बर, रिमेम्बर माने याद करना, तो यहाँ हो जाएगा रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस, ठीक है। लेमेंट, लेमेंट माने विलाप करना, लेमेंट मीन्स विलाप करना, क्या है, विलाप करना, विलाप समझते हो, विलाप समझते हो। अरे नहीं, सब कुछ खो जाते हैं तो हम लोग विलाप नहीं करते हैं। जैसे मान लिया कोई लॉस हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, हम लोग विलास करते हैं, लैमेंटेशन, लैमेंटेशन। उसी तरह से ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म माने क्या होता है, रूपांतरण करना, किसी चीज को चेंज करना, क्या करना, रूपांतर। अगर किसी को रूपांतर करना,
मतलब किसी, देखो टीचर क्या करता है, बच्चों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, तो रूपांतरित करता है, तो क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद है डिसग्रेस। डिसग्रेस क्या होता है कोई बताएगा? विषयांतर करना, ऐसा डिसग्रेस माने किसी को विषय से विषयांतर करना, यानी तुम समझो ना, विषय से विषयांतर, मिस्टेक हाँ विषय विषय से विषयांतर करना, यानी क्या हो यस गया, यहाँ से अलग, ये समझते हो सर कि कोई बात हो रहा था किसी का, पार्टी का, और हम वहां से लेके चले गए खेल के मैदान में, या खेल के मैदान, खेल का बात हो रहा था पॉलिटिक्स में लेके चले गए, तो इसको बोलते हैं यस सर विषयांतर करना, डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन आजकल नहीं देखते हो कि सभी लोग विषय से विषयांतर रहते हैं, पढ़ना है मैथमेटिक्स लेकिन उस समय पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, या तो ये विषय से विषयांतर हो जाते हैं। हम बात कर रहे थे पढ़ाई की और हम बात करने लगे फिल्म की, तो विषय से विषयांतर हो गए। बहुत से टीचर पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, पढ़ाते रहते हैं मैथमेटिक्स और चले जाते हैं सोशल स्टडी पे, इसको बोलते हैं विषय से विषयांतर होना। समझ गए? यस कंपनसेट। कंपनसेट समझते हो? क्षतिपूर्ति करना, यस क्षतिपूर्ति करना, नहीं बोलते लॉस हो होने कि पे कुछ हाँ वो क्षतिपूर्ति होना या करना, तो इसको नहीं बोलते कंपनसेट कर देंगे। जैसे सपोज करो कि अब कोई आदमी है, कोई किसी का क्षति हो गया, किसी के कारण नुकसान हो गया, तो बोलता नहीं है कि भाई इसकी मैं भरपाई कर दूंगा। अब जैसे तुमने किसी की गाड़ी को यस अनइंटेंशनली धक्का मार दिया, और तुम्हारी धक्का मार देने से उसका गाड़ी खराब हो गया, तो हम क्या करते, यस क्षतिपूर्ति करते, कंपनसेट करते, यस सर करते हैं कि कंपनसेशन नहीं, तो इसको बोलते हैं यस कंपनसेशन। कंपनसेशन मैंने किया है सर है नहीं, मैंने बहुत बार कंपनसेशन किया है नहीं तो वो किसको धक्का मार दिया था, तुम ही को। उसको चलाने नहीं आता है सर नहीं तो करना करना पड़ता, देखो कंपनसेट करना यस पड़ेगा। यस अभी जैसे सर देखो कोई भी पूरे में होता है ना, बैलेंसिंग उसकी करनी जरूरी है। अभी जैसे मान लिया हम ही लोग जाते हैं स्कूल में, आज जैसे मेरा कल छुट्टी है और कल मैं स्कूल, मुझे बुला लिया जाएगा, तो ये हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं बाद में। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट माने क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट माने तो बांटना, बात तो उसी से बन गया डिस्ट्रीब्यूशन, उससे बन गया डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कितना आसान है, देखने में कितना आसान लगता है, और ये हमारे पास दोनों वर्ड आते चले जा रहे हैं, इधर वाले भी वर्ड आ रहे हैं, इधर वाले भी वर्ड आ रहे हैं, दिस इज द एडवांटेज। देखो जब हम बोलते हैं ना, तो हमें एक चीज की कमी होती है, वर्ड्स की। अब धीरे धीरे वर्ड्स पे, मैं शुरू में वर्ड्स पे काम नहीं कर रहा था, अब वर्ड्स पे, इसलिए कि मैंने देखा कि वर्ड्स अब राइट टाइम आया है कि हम वर्ड्स को सीख सकते हैं। देखो अगर तुमने अपने इसको बढ़ा दिया, भूख को बढ़ा दिया, तो अब तुम्हारे पास इतने चीज जाएंगे कि उसको हमें साथ साथ एक करते चले जाना है। अब जैसे मान लिया ये हो गया, अब जैसे उसी तरह से डोनेट होता है, नाम सुने होंगे डोनेट, और लेकिन इसमें खूब सुने होंगे सर डोनेशन, नहीं सुनते हैं डोनेशन भाई, यस डोनेशन दे दो, तो डोनेट माने दान देना, और उसी से इवैल्यूएट, सर तो इससे क्या हो गया इवैल्यूएशन। उसी तरह से ऑसिलेट, ये सुने होंगे ऑसिलेट, ऑसिलेट माने होता है अब ये डोलना, हिलना, ऐसे ऐसे जो ये करता है हिलना, टू एंड फ्रो मोशन, जो घड़ी ऑसिलेट करता है, देखते नहीं हो ऐसे ऐसे हिलता रहता है, दैट इज कॉल्ड यस ऑसिलेशन, इसी से बना है ऑसिलेशन। सर
उसी तरह से एग्जामिन, एग्जामिन तो जानते होंगे, किसी का टेस्ट करना, यस एग्जामिनेशन। सर, यस। और अगर जैसे जैसे एक टेस्ट हो रहा है और डिक्लेयर कर दिया टीम, तो क्या हो जाएगा? डिक्लेरेशन। क्या हो जाएगा? डिक्लेरेशन। सर, उसी तरह से परस्पायर, परस्पायर माने क्या होता है? परस्पायर, यस परस्पायर माने होता है पसीना निकालना। सर, अगर परस्पायर माने पसीना निकालना, तो परस्पिरेशन, तो परस्पिरेशन माने खूब मेहनत करना होगा, पसीना खूब निकालना होगा सक्सेस के लिए, ठीक है। कोलाइड, कोलाइड माने क्या होता है? टकराना। तो ये क्या हो जाएगा? कॉलिजन। इसी से क्या बनेगा? कॉलिजन। साइंस में, फिजिक्स में पढ़े होगे 10, 9, 10 में। क्लैरिफाई, क्लैरिफाई माने किसी चीज को क्लैरिफाई कर देना, स्पष्ट करना, तो क्या बन जाएगा? क्लियर क्लैरिफिक, सर, क्लियर। हाँ क्लैरिफिकेशन। यस, हाँ अगर नोटिफाई करोगे तो, क्लैरिफिकेशन, नोटिफिकेशन सर। हाँ देखो नोटिफिकेशन, अगर जैसे मान लिया वेरीफाई करोगे तो, हाँ जो संडे को, वेरिफिकेशन सर, हाँ वेरिफिकेशन संडे को करवाने गया था वेरिफिकेशन, सर, देखे संडे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया था, चाहे पुलिस वेरिफिकेशन होता, देखते नहीं हो, पुलिस आके चेक करता है कि यस ये आदमी सर, यहाँ रहता था कि नहीं, यस इसका 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 बिहेवियर कैसा था, एवरीथिंग, ठीक है। ये वाला खत्म हो जाएगा तो अब छोड़ देंगे, क्या कि इसमें नहीं तो इतना ज्यादा, लेकिन ये सब क्या है, साथ साथ जब क्लास में करते खाली रिवाइज कर लेना, इसलिए मैंने बोला था स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, सो दैट व्हाट विल यस हैपन, जस्ट उसको सुन लेना, कान में लगा हुआ ले रहे हैं उसको सुनते सर, चले जा रहे हैं। तो अब जैसे ये हो गया, यस अब ये डिक्लेरेशन कर चुके हैं, परस्पिरेशन कर चुके हैं, हाँ इम्प्लाई, इम्प्लाई सुने हो? बोले सर वो ना इम्प्लाई सुने हैं, नौकरी वाला यस सुने हैं, मतलब इम्प्लाई माने अप्रत्यक्ष रूप से सुझाना, मतलब यस अप, हाँ अच्छा हाँ अप्रत्यक्ष रूप से सुझाना, यानी हम कोई चीज बताते हैं तब, अगर सुझाना हो गया तो यस सर, इसको इम्प्ली, हाँ और इसी से हो गया इम्प्लीकेशन, क्या हो जाएगा? इम्प्लीकेशन। नोट, अब जैसे नोटिफाई तो नोटिफिकेशन कर चुके हैं, वेरीफाई वेरिफिकेशन कर चुके हैं, एमिट, एमिट माने क्या होता है कोई बताएगा? एमिट माने होता है किसी से निकलता है लाइट, जो निकलता है उसको एमिट बोलते हैं, उत्सर्जन करना, यस यानी क्या है उत्सर्जन, यानी किसी से निकलता है तो उसी से बनेगा एमिट, एमिशन। धुआं नहीं निकलता है, गाड़ी जब चलता है तो एमिशन यस होता है। सस्पेंड, सस्पेंड ये तो खूब जानते होंगे, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं होता, किसी को सस्पेंड कर दिया सर, तो सस्पेंशन, ये किसी के भी पापा अगर गवर्नमेंट एम है तो इसे सस्पेंशन बहुत आसान बात है। तो क्या करते हैं ना, अगर यस पुलिस में, अगर पुलिस में ऐसा है, अगर सीनियर को लग गया ना कि काम ठीक से नहीं कर रहा है, उसके मन से नहीं कर रहा, सस्पेंड कर देगा, 7 दिन, दस दिन, सर, 15 दिन कोई काम नहीं हुआ है तो सस्पेंड कर देगा, वाला काम पहले पूरा कीजिए तब आइए, तो यस सस्पेंशन। एसेंड माने, सर, एसेंड, एसेंड माने क्या होता? ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना, ऊपर यानी ऊपर चढ़ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाउन क्या बन जाएगा? एसेंट, असेंबली सर, हाँ एक्स, ये तो खूब ये भी यस सुने होंगे,
परीक्षा में बहुत होता है, एक्सपेल यानी बाहर निकालना किसी को, तो एक्सपल्जन। यस स्पेल्ड सर। हाँ तो एक्सपल्जन नहीं, अभी हम नाउन बना रहे हैं, वर्ब से नाउन बना रहे हैं। अज्यूम, अज्यूम माने नहीं होता है, क्या होता है अज्यूम माने बताओ तो, अच्छा मान लेना, नहीं बोलते हैं अज्यूम मान लेना, मान हाँ एडवांस नहीं, थिंक इन एडवांस सोचना, उसके बारे में सोचना, तो यस अजम्पशन, ये क्या हो जाएगा, अजम्पशन हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल, कैंसिल माने किसी चीज को कैंसिल, रद्द कर देना, कैंसिलेशन, ट्रेन का टिकट सबसे ज्यादा कैंसिलेशन होता है, होता है कि नहीं। अब तो मनीष इसके बारे में तुरंत बता देगा, क्यों, उसका टिकट खूब कैंसिल होता है। डिमोलिश, यस डिमोलिश, डिमोलिश माने क्या होता है, डिमोलिश माने किसी चीज को, जैसे अभी मैं बताता हूँ, अयोध्या, अयोध्या में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, याद होगा, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन यानी विध्वंस करना या डिस्ट्रॉय नष्ट, सर। हाँ नष्ट कर देना, नष्ट कर देना, नहीं नष्ट करते हैं, डिमोल्यूशन हुआ था कि नहीं, बाबरी मस्जिद डिमोल्यूशन याद है, डेट 6 दिसंबर 1992, यस तो ये हो गया विध्वंस, तो ये अगर डिमोल्यूशन, डिमोल्यूशन इसके कारण 6 दिसंबर, 6 दिसंबर को वहां पर अभी भी ये डिमोल्यूशन डे मनाया जाता है, मतलब डिमोलिश किया गया था, और हम लोग को याद है कि पूरे में, पूरे इंडिया में कर्फ्यू लग गया था उस समय। ओके अब आते हैं इवॉल्व, इवॉल्व से इवोल्यूशन हो गया, रिनाउंस, रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब क्या होगा पहले ये जानना जरूरी है, त्याग करना। देखो जहां जहां जरूरत है ना वहां मैं ये लिख देता हूं, यहां त्याग करना, तो त्याग करना क्या हो जाएगा, रिनंसिएशन, क्या हो जाएगा, रिनंसिएशन। अब देखो अगर पहले मैं बोलता ना रिनंसिएशन का मीनिंग तो नहीं समझते, अब तो समझ जाओगे, त्याग बोल दोगे ना, रिनंसिएशन मीन्स त्याग, यस ठीक है। अब पहले अगर रिनंसिएशन बोलता तो नहीं पहचानता, लेकिन अब जान गए कि रिनाउंस का मतलब जान गया, तो इससे पता हो गया। अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट तो मालूम है, आकर्षित करना, तो उसी से बना है अट्रैक्शन, उसी से क्या बना है, अट्रैक्शन। इमेजिन, इमेजिन से क्या बना है, इमेजिन से क्या बना है, इमेजिनेशन, क्या बना है, इमेजिनेशन। उसी तरह से इमिटेट से क्या बना है, इमिटेट से क्या बना है, इमिटेट, इमिटेट हाँ इमिटेट समझते हो, इमिटेट माने हो अनुकरण करना, जिसका मीनिंग नहीं समझ में आएगा ना तो जरूर बोल देना, तो क्या हो जाएगा, इमिटेशन, 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 इमिटेशन हो गया, इमिटेशन। अगर अगर जैसे ये हो गया, इनफॉर्म से क्या हो जाएगा, इनफॉर्म माने क्या होता है, किसी को जानकारी देना, उसी से क्या बन जानकारी जाएगा, दे। इन्फॉर्मेशन। इंस्पेक्ट माने क्या होता है, इंस्पेक्ट मीन्स, इंस्पेक्ट माने क्या होता है, किसी का निरीक्षण करना, तो हो जाएगा इंस्पेक्शन। एंड ऑपरेशन मीन्स क्या होता है, हाँ देखो ये सब ऐसे ऐसे वर्ड है ना, कि ऑपरेस माने होता है किसी को जुल्म करना, जुल्म करना, आप समझ में आ जाएगा, मैंने किसी को सताना, अब किसी को यानी ऑपरेश, ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन, सो ओपीपी, ओपीपी,
RESSION, ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन, ओला ऑपरेशन नहीं, चीरफाड़ वाला नहीं, ये वाला, यानी जुल्म करना। पार्टिसिपेट मींस, पार्टिसिपेट तो समझते होंगे, और इससे क्या बनेगा, पार्टिसिपेशन। सर्टिफिकेशन परमिट से क्या हो जाएगा, परमिट माने नहीं बोलते परमिट आ किसी को, गया। हाँ तो परमिट हो जाएगा परमिशन। किसी को परमिशन देना, और अब इससे क्या हो जाएगा, प्रिपेयर से, प्रिपेयर माने तैयार करना, नहीं बोलते तैयार करते, अच्छा प्रिपरेशन, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन, नहीं पूछते हैं। तो ये सब जो वर्ड है ना, बड़ी कॉमन वर्ड है, लेकिन इसको हमारे दिमाग में नहीं रहता है, लेकिन इसी को बार बार देखते रहोगे, सुनते रहोगे, तो क्या हो जाएगा, हम हमें बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब जैसे मान लिया सेटिस्फाई करना है, किसी को सेटिस्फाई करना है, यस तो सेटिस्फाई माने क्या होता है, सेटिस्फाई माने संतुष्ट करना, किसी को संतुष्ट करना, तो क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन। देखो किसी को सेटिस्फैक्शन होता है तभी वो काम करता है। जैसे मान लिया, अगर जैसे तुमको पढ़ा रहा हूं, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो पढ़ोगे, जब कोई टीचर से कोई बच्चा सेटिस्फाइड है पूरी तरह से, तभी वो आगे पढ़ेगा। तो सेटिस्फैक्शन हर से हर क्षेत्र में जरूरी है, खासकर देखो गवर्नमेंट में सेटिस्फेक्शन का कोई ये नहीं है, क्योंकि उसका एग्जामिनेशन लेने वाला कोई और एजेंसी है, काम करने वाला अलग एजेंसी है, इसीलिए वो जिंदगी भर वो सीखते सिखाते रहता है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट में काम कर रहा है, यू हैव टू सेटिस्फाई एवरीथिंग। बॉस अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो तुरंत मार के भगा देगा। टेम्प्ट, टेम्प्ट माने क्या होता है, टेम्प्ट 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 माने क्या होता है, लुभाना किसी को, नहीं होता है, हम लुभाते हैं, तो बोलते हैं टेम्पटेशन। क्या बोलते हैं, टेम्पटेशन, टेम्पटेशन, ठीक है। और अब उसी तरह से ट्रांसलेट, ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट करना, यस। देखो ट्रांसलेशन, अगर डायग्नोस करना, डायग्नोस करना, यानी डायग्नोस करना मतलब रोग का निदान करना, रोग का निदान, तो क्या करेंगे, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस यानी रोग का निदान कर देना, निदान हो गया। हाँ उसी तरह से डिस्क्लोज, डिस्क्लोज समझते हो, प्रकट करना, प्रकट करना, नहीं 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 होता है, किसी को बता देते हो, जैसे मनीष बोला था नहीं बताने के लिए, तुम मुझे बता दिए, तो डिस्क्लोज हो गया, यानी क्या हो गया, डिस्क्लोजर। उसके बाद डिस्कवर, डिस्कवर तो सुने होंगे, किसी चीज को खोजना, तो उसी से खोजना बना, उसी से बना डिस्कवरी, डिस्कवरी डिस्टर्ब चैनल समझो, इसी से बना। यस ग्रीव, ग्रीव माने दुख देना, किसी को दुख देना, तो ग्रीव, इसका हिंदी लिख देता हूं, तो दुख देना मतलब क्या हो जाएगा, दुख देना का मतलब हो जाएगा ग्रीफ। अच्छा राइवल, राइवल ये सुने होंगे, राइवल माने होता है प्रतिस्पर्धी, यानी प्रतिस्पर्धा जो नहीं करता है, अरे जो यस जो 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 तुम्हारा कॉम्पिटिटर नहीं है, यस तो राइवलरी, राइवलरी। सॉल्व, सॉल्व माने किसी चीज को सॉल्व करना,
सॉल्व करना सॉल्व मतलब हल करना, हल करना, सॉल्व तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, हल निकालना। सॉल्यूशन यस यस ठीक है, तो अब जैसे मान लिया मनीष बाहर चले गए, हमको पता भी नहीं था, अब जैसे मान लिया सॉल्व से अगर ये बिल्ड होता है तो क्या होता है? बिल्ड जानते हो, बिल्ड माने किसी चीज का निर्माण करना, बिल्डिंग तो बिल्डिंग बिल्डिंग यानी निर्माण करना, बिल्ड माने निर्माण करना, और ये बिल्डिंग माने क्या, निर्माण, नया निर्माण। कुक, कुक माने क्या होता है, ये तो कुक को सब जानता है, कुकिंग। गैम्बल, गैम्बल गैम्बल बता सकते हो क्या होता है? अरे जुआ खेलना, अगर कोई जुआ खेलता है गैम्बलिंग तो वो क्या हो गया, ये एक काम क्या होता है, जुआ खेलना गैम्बलिंग। गैम्बलिंग सर हाँ, आजकल देखते हैं ना गैम्बलिंग के कितने साइट आ गए हैं। अचीव, अचीव माने क्या होता है, कुछ अचीव, अचीव मीन्स क्या हो गया, अचीव करना प्राप्त प्राप्त करना। करना तो अचीवमेंट हो जाएगा, यस अचीवमेंट। अगर अब जैसे मान लिया उसी तरह से एस्टोनिश, एस्टोनिश माने क्या है, एस्टोनिश आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित कर देना, यानी किसी को यस आश्चर्यचकित कर देना। तो आश्चर्यचकित कर देना, चकित कर देना, मतलब किसी को सरप्राइज कर देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट, कोई आश्चर्यचकित हो गया। हाँ, कमिट, कमिट तो सुने होंगे, कमिट माने क्या होता है, कमिट माने होता है यस वचन, वचन देना, नहीं होता है यस वचन देना, मैं वादा करता हूं कि मैं आऊं, तो कमिटमेंट। यस तो ये कमिटमेंट हो गया, मेरा नहीं बोलता, तुम्हारा ये कमिटमेंट है। यस हाँ, इम्प्रिजन, इम्प्रिजन, इम्प्रिजन माने क्या होता है, कैद करना, किसी को कैद करके रखना, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट। एडवाइस से क्या बना है, देखो, हाँ ये ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ हो गया यस एडवाइस, एडवाइस माने किसी को सलाह देना, सर सलाह देना, एडवाइजिंग नो, और इसका देखना ध्यान से, एडवाइस, वाइस हाँ नहीं, ये देखो सलाह, देखो यहाँ पर स्पेलिंग देखो, ये सी, यहाँ एसी, ठीक है, ये नाउन है, ये वर्ब हो गया। यस तो इस तरह से अभी अभी जैसे मान लिया, अब ये देखते हैं कि अगर अगर एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट माने क्या होता है, एग्जिस्ट माने क्या होता है, रहीस अस्तित्व, अस्तित्व में होना, अस्तित्व समझते हो, अस्तित्व में होना मतलब कोई चीज एग्जिस्ट कर रहा है, तो एग्जिस्टेंस, कोई चीज एग्जिस्टेंस में है, हम लोग बोलते हैं। उसी तरह से फ्लैटर, फ्लैटर समझते हो, ये सब वर्ड खूब यूज होगा, फ्लैटर, फ्लैटर माने खूब खुशामद करना, समझते हो, खुशामद करना समझते हो, यस तो इसको बोलते हैं अगर फ्लैटरी,
आजकल फ्लैटरी की बात सबसे ज्यादा खुशामद, जैसे हमने बॉस को क्या करना पड़ता है, खुशामद करना पड़ता है, प्रमोशन के लिए क्या करना पड़ता है, फ्लैटरी हम लोग करते हैं, मतलब खूब खुशामद करते हैं, तलबे चाटना मतलब एक तरह से कह सकते हैं। तो गार्डन से क्या हो जाएगा, गार्डन, तो गार्डन तो जानते हो बगीचा, तो ये हो जाएगा गार्डनिंग, क्या हो जाएगा जो बगीचा में काम करता है, ये गार्डनिंग हो गया, रीड से रीडिंग हो गया, हंट से हंटिंग हो गया, स्मगल से स्मगलिंग हो गया, स्मगल तो जानते हो, हाँ ये लिख देता हूँ, स्मगल लिख देता हूँ, स्मगल, स्मगल माने क्या होता है, तस्करी करना, तस्करी करना, तो इससे क्या बन जाएगा, स्मगलिंग, स्मगलिंग, ठीक है। और उसी तरह से इंज्योर से इंजरी, इंज्योर माने नहीं होता है, इंज्योर यानी इंजर, इंजर करना किसी को, यानी इंजरी माने चोट पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, अगर चोट पहुंचाना है तो हम लोग बोलते हैं इंजरी, नहीं बोलते हैं उसका कुछ इंजरी हो गया है। लाफ से क्या बनता है, लाफ माने होता है, ये तो बोलना नहीं पड़ेगा, हंसना, और इसी से बना है लाफ्टर यानी हंसी, मिक्स, मिक्स माने किसी चीज को मिलाना, और उसी से बना है मिक्सचर जो खूब खाते हैं हम लोग, या किसी चीज को मिला दो, दो दाल को मिला दो, मिक्सचर हो गया। प्रूफ, प्रूफ माने किसी चीज को, किसी चीज को क्या करना, साबित करना, तो उसी का ये हो जाएगा साबित, अगर तो प्रूफ बोलते हैं कि हमको प्रूफ दो। हाँ अब जैसे रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्ड करना माने क्या होता है, रिएक्ट करना हाँ मतलब रिएक्ट करना, तो रिस्पॉन्स हम लोग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स बोलते हैं। अगर किसी, तो अगर सक्सीड, देखो सक्सीड यानी सफल होना, और इसी से बना है सक्सेस, तो सक्सेस नाउन है, ये इसमें है सफल होना, और इसका मतलब होता है सफल, यानी आप लोग भी अब सफल हो जाएगी, ये सफल होना होता है। तो आज, आज हम लोग यहाँ तक पढ़े, अब नेक्स्ट डे हम लोग वर्ब से, जैसे वर्ब से नाउन, अब जैसे मान लिया वर्ब से नाउन ये हो गया, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ब से, वर्ब से नाउन का अभी और है, लेकिन इतना ज्यादा हम ये नहीं करेंगे, कुछ और अलग चीज ये करेंगे, मतलब ठीक है, हम लोग उसके बाद देखेंगे एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव से कैसे बना सकते हैं, लेकिन वर्ब में अभी और है, बहुत बड़ा लिस्ट है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है छोड़ छोड़ के भी मैं दे रहा हूँ, विच इज यूज इन दिस, ओके। सो अभी आगे हम लोग अभी और इसमें वर्ब में और अगर इम्पोर्टेंट होगा तो ये करेंगे, और आगे हम लोग ये करेंगे कि जैसे मान लिया एडजेक्टिव से हमें नाउन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अभी ये मैं इसको पहले रोक देता हूँ।